गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी सुशीला मैम आज आप लोग को क्लास थ्री का साइंस पढ़ाऊंगी और इसमें मैं आज आप लोग को चैप्टर वन पढ़ाऊंगी। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स है वो आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, वहां से आप लोग उसको नोट कर लेंगे। तो आइए हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ते हैं जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं। बच्चों, हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे क्लासरूम में क्या देखते हैं हम? फ्रेंड्स, टीचर्स, बोर्ड्स, चेयर्स। घर में क्या देखते हैं? हमारे पेरेंट्स, फ्रिज, टीवी। गार्डन में क्या देखते हैं? प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स। आकाश में क्लाउड्स, बर्ड्स, एरोप्लेन्स आदि। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं। तो बच्चों, सभी वस्तुओं को दो कैटेगरीज यानी कि दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हमारा मैन मेड थिंग्स यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें जो इंसान द्वारा बनाई गई हैं वो मैन मेड थिंग्स यानी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बिल्डिंग्स, क्लॉथ्स, टेबल्स। उसके बाद है हमारा दूसरा नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं। तो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें मानव द्वारा नहीं बनाई गई है बल्कि हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल होंगे बर्ड्स, एनिमल्स, क्लाउड्स, रिवर्स आदि। तो बच्चों, चीज़ों को हम दूसरे तरीके से भी अलग कर सकते हैं, इसे हम लिविंग और नॉन लिविंग के रूप में भी बता सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं अभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो बच्चों, कुछ चीज़ों में क्या होता है? जीवन होता है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। और बच्चों, कुछ चीज़ों में जीवन नहीं होता, उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। जैसे उसका एग्जाम्पल हो जाएगा चेयर, टेबल, पेंसिल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है हमारी चीज़ें, ये हमने लिविंग और नॉन लिविंग में रखा। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग उनमें क्या अंतर होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के जो अंतर है उसको हम लोग कई तरीकों से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका, फर्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, यानी कि लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी की जरूरत है। बच्चों, लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? भोजन और पानी की जरूरत पड़ती है, बिना भोजन पानी के वो जीवित नहीं रह सकती। भोजन जो है उनको ऊर्जा देती है। सपोज अगर आपको भूख लगी है और आप खाना मांग रहे हो बट आपको कोई खाना नहीं दे रहा, उस समय आपको कैसा फीलिंग होगा? आप क्या करोगे? आप रोने लगोगे, यानी आपको अजीब महसूस लगेगा, आपको भोजन की जरूरत है। तो लिविंग थिंग जो है उसको भोजन की जरूरत है। जैसे एनिमल्स भी है हमारे घर में, उसको भी अगर खाना नहीं दिया जाएगा तो वो भी क्या करता है? चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है, कुत्ता है अगर आपके पास तो। और प्लांट्स भी क्या है? लिविंग थिंग्स है, उसको भी भोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो अपना भोजन खुद बनाता है। आप लोग को इस बात की जानकारी है। बट यहाँ जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, इनको भोजन की जरूरत नहीं है इनको भोजन की जरूरत। क्या, कैसे नहीं? अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। क्या आपके घर में कोई डॉल है? अगर हाँ तो क्या वो खाना खाता है? देखा है आपने खाना खाते हुए उसको? नहीं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत नहीं है। दूसरा है हमारा लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी कि लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। बच्चों, आप अपने हाथों से क्या कीजिए कि अपने नाक और मुंह को कवर कीजिए, तो आपको ये करने में बहुत मुश्किल होगा। कुछ समय ही आप ऐसा कर पाएंगे, ज्यादा देर तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दम घुट रहा है। ये ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपको एयर नहीं मिल रहा है, यानी कि लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत है जीने के लिए। ठीक उसी प्रकार है
जानवर भी जो है उनको भी एयर चाहिए। आप लोग को पता होगा कि कुत्ते भी सांस लेते हैं ना, जैसे कुछ एनिमल्स है नोज से सांस लेते हैं, कुछ एनिमल्स है जो जैसे मछलियाँ, वो कहाँ से सांस लेती है, अपने गिल्स से सांस लेती है। आप पौधे के बारे में जान लीजिए, पौधे को भी एयर की जरूरत पड़ती है। अगर किसी पौधे को आप ऐसे जगह में रख दो जहाँ पर उसको एयर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो क्या वो पौधा आपका जीवित रह पाएगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी कि लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत है, एयर की जरूरत है, लिविंग थिंग सांस लेता है। पर ठीक इसके विपरीत हमारा जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या करता है, सांस लेता है, नहीं उसको एयर की जरूरत है। क्या आपके घर में कोई आपका बैग है उसको आप अगर ट्रंक में बंद कर दो तो क्या वो मर जाएगा, क्या वो छोटा हो जाएगा? नहीं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को ब्रेथ यानी कि सांस लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा है हमारा लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। बच्चों लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो समय के साथ ग्रो करते हैं। आपको याद है कुछ वर्ष पहले आप कैसे थे, आप छोटे थे, और अभी आप क्या हो, अभी आप बड़े हो गए हो, यानी कि आपका ग्रोथ हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई कुत्ता आप कुछ साल पहले खरीद के लाए थे तो वो छोटा था, अभी कैसा हो गया, अभी वो बड़ा हो गया। इसका मतलब जानवर भी ग्रो करते हैं। और प्लांट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही, वो छोटा सा पौधा हम लोग लगाते हैं और वो कितना विशाल पेड़ बन जाता है, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करते हैं। पर यहाँ हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या वो ग्रो करता है? क्या आपकी पेंसिल जो है बढ़ जाती है, बड़ी होती है? पेंसिल को अगर आप 2 महीने के लिए कहीं पे छोड़ दो, बड़ी होगी? बिल्कुल नहीं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करता। फोर्थ पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स मूव, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो चल फिर सकते हैं। इसके बारे में तो मुझे बताना ही नहीं कि आपको इस बात की खुद ही जानकारी है, क्योंकि आप खुद चलते हो, आप लिविंग थिंग्स हो। उसी तरह जानवर क्या है, वो भी आप देखते होंगे कि यहाँ से वहाँ कूदता रहता है, यानी कि वो भी चल फिर सकता है अपने आप। और प्लांट्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो अगर आप लोगों ने सनफ्लावर का प्लांट्स देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो भी मूव करता है, वो जिधर जिधर सन जाता है उसका फेस भी उधर उधर ही जाता है, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं। बट क्या नॉन लिविंग थिंग्स मूव करते हैं? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते। अगर किसी टेबल को आप किसी कमरे में बंद कर देते हो, रख देते हो, छोड़ देते हो, और 4 दिन के बाद भी अगर आप आते हो तो वो उसी जगह रहता है, वो वहां से हटता नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करता। उसके बाद है पांचवा हमारा नंबर फाइव लिविंग थिंग्स फील, यानी कि लिविंग थिंग्स फील करते हैं, अनुभव करते हैं। बच्चों अगर आपको चोट लग जाता है तो कैसा महसूस होता है, दर्द होता है आपको, और उसकी प्रतिक्रिया में आप क्या करते हो, रोने लगते हो, रोते हो ना, तो इसका मतलब है कि लिविंग थिंग जो है उसको क्या होता है, फीलिंग्स होते हैं उसके अंदर। उसी तरह कोई कुत्ता अगर जा रहा हो, उसको कभी कभी आप लोग क्या करते हो, पत्थर फेंक कर मारते हो, तो कैसे वो चिल्लाने लगता है, उसको दर्द होता है। और प्लांट्स भी है, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो फीलिंग करते हैं, फील करते हैं। जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, जैसे ही आप उसको टच करोगे वो क्या होता है, सिकुड़ जाती है। इसका मतलब प्लांट्स भी फील करते हैं। तो निचोड़ ये है कि लिविंग थिंग्स जो है वो फील करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या फील करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास गुड़िया है, उसका कितना भी कान मरोड़ दो, 4 झापड़ लगा दो, क्या वो कुछ फील होगा, रोएगी? बिल्कुल नहीं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते। और आखिरी है हमारा नंबर 6 लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग थिंग्स उत्पन्न करते हैं। बच्चों लिविंग थिंग्स अपने जैसा ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारे जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने हमको रिप्रोड्यूस किया, हमें पैदा किया, हाँ अपने बच्चे को पैदा करेंगे। जैसे आपके दादाजी ने, ग्रैंडफादर्स ने आपको क्या किया, आपके पेरेंट्स को पैदा किया, आपके पेरेंट्स ने आपको किया। उसी तरह अगर कोई गाय है आपके घर में या कोई और जानवर है तो देखते होंगे कि वो भी क्या कर
करते हैं, जन्म देते हैं, है ना। उसी तरह पेड़ भी जो है वो भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो भी जन्म देते हैं। आप लोग देखते हो ना, रोज की डाली हम लोग काट लेते हैं, फिर उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो और अब है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करता है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता। क्या आपके घर में जो कुर्सी है, कुछ दिन छोड़ देते हो उसको तो क्या छोटा कुर्सी उसमें से आ जाता है, बेबी पैदा हो जाती है? बिल्कुल नहीं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो बच्चों आज हम लोगों ने थिंग्स के बारे में जाना, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और उनमें क्या अंतर है ये जाना। तो आज के लिए इतना ही, आपका फर्स्ट चैप्टर था। अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।